Hello students, how are you? I hope you all are safe and happy at your homes. Students, today our subject is maths and our topic is tables. Yes students, last worksheet में मैंने pictures के साथ आपको repeated addition सिखाया था. ठीक है स्टूडेंट, रिपीटेड एडिशन मीन्स कि जब हम एक नंबर को बार बार ऐड करते हैं उसको रिपीटेड एडिशन बोलते हैं. तो जो हमने फर्स्ट वर्कशीट में रिपीटेड एडिशन किया था वो हमने पिक्चर्स के साथ और टू डिजिट का रिपीटेड एडिशन किया था. आज हम नंबर्स के साथ थ्री डिजिट का रिपीटेड एडिशन करेंगे. तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि रिपीटेड एडिशन को हम मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करते हैं, इसलिए आपको रिपीटेड एडिशन पहले सिखाया जाएगा ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आए कि उनको टेबल में हम कैसे यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, हियर इज थ्री. ओके स्टूडेंट, तो वन टाइम थ्री इज इक्वल टू थ्री, मतलब अगर हमने एक बार थ्री लिखा है तो वो उसका आंसर थ्री ही आएगा. इसमें हमने कोई नंबर दूसरा थ्री ऐड नहीं किया है. तो इसको मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिखते हैं? वन टाइम थ्री इज इक्वल टू थ्री, मतलब अगर हमने एक बार थ्री लिखा है तो उसका आंसर थ्री ही आएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से नेक्स्ट देखिए, थ्री प्लस थ्री यानी कि टू टाइम्स थ्री. तो इसमें कैसे आएगा आपका टू टाइम्स थ्री कितना हो जाएगा ऐड करके, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, फोर फाइव सिक्स, टू टाइम थ्री इज इक्वल टू सिक्स. ठीक है, यानी कि जब हम दो बार थ्री को ऐड करेंगे तो उसको बोलते हैं टू टाइम्स थ्री इज इक्वल टू सिक्स. ठीक है, इस तरह से दो बार थ्री को आप जब ऐड करते हैं तो सिक्स आंसर आता है. और जब हम इसको ऐसे टेबल फॉर्म में लिखते हैं तब भी इसको ऐसे लिखेंगे, थ्री टू टाइम्स थ्री इज इक्वल टू सिक्स. ठीक है, अब देखिए थ्री टाइम थ्री, थ्री का क्या है, वो है वन टू थ्री. तो अब देखिए वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री. अब देखिए हमने थ्री टाइम थ्री को ऐड किया तो क्या आंसर क्या आएगा, वन टू थ्री, फोर फाइव सिक्स, सेवन एट नाइन, थ्री टाइम थ्री इज इक्वल टू नाइन. तो स्टूडेंट्स ये ऐसे आएगा, थ्री टाइम थ्री इज इक्वल टू नाइन. ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे फोर टाइम थ्री का क्या आंसर है, थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री. स्टूडेंट्स यहाँ पर आगे स्पेस कम हो रहा है इसलिए मैंने इसको थोड़ा छोटा करके फोर टाइम, लेकिन थ्री यहाँ पर फोर टाइम्स ही है, वन टू थ्री फोर, और यहाँ पर थ्री टाइम्स थे, वन टू थ्री. ठीक है, तो अब देखिए वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री. तो अब हमने फोर टाइम जब थ्री को एडिशन किया, रिपीटेड एडिशन किया, तो आंसर क्या आएगा हम इन लाइंस को काउंट करके देखते हैं, वन टू थ्री, फोर फाइव सिक्स, सेवन एट नाइन, टेन इलेवन ट्वेल्व. फोर थ्री टाइम्स, फोर को थ्री को फोर टाइम्स प्लस एडिशन करने से आंसर आता है ट्वेल्व. तो इसको टेबल फॉर्म में हम लिखेंगे, थ्री फोर टाइम थ्री इज इक्वल टू ट्वेल्व. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री. अब फाइव टाइम थ्री को जब हम ऐड करेंगे, फाइव टाइम थ्री को जब हम ऐड करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, मतलब हमने पांच बार थ्री लिखा है और इसको जब हम ऐड करते हैं तो आंसर आता है फिफ्टीन. तो हम इसको टेबल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, टेबल फॉर्म में हम लिखेंगे फाइव टाइम थ्री इज इक्वल टू फिफ्टीन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये जो रिपीटेड एडिशन है, अब यहाँ पर देखिए सिक्स टाइम थ्री, थ्री
प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, थ्री टाइम थ्री इज इक्वल टू 18। जब आप इस तरह से लाइंस लगाएंगे, वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री थ्री वन टू थ्री, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन। तो सिक्स टाइम थ्री इज इक्वल टू 18। तो इसको हम टेबल फॉर्म में लिखेंगे, सिक्स टाइम थ्री इज इक्वल टू 18। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आपका पूरा थ्री का टेबल होता है। लेकिन जब हम ये रिपीटेड एडिशन करते हैं तो स्टूडेंट इस तरह से कैलकुलेशन करने में हमें बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटी कैलकुलेशन, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे सारी कैलकुलेशन ये बड़ी होती जाएगी 10 तक, ठीक है, या 11 12 जितने भी हमें, अगर हमें ऐसे रिपीटेड एडिशन करके वर्क करना पड़े तो हमें बहुत टाइम भी लगेगा, ठीक है, और हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए हम उस कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए, उस कैलकुलेशन को जल्दी से करने के लिए और छोटा करने के लिए हम टेबल्स का यूज़ करते हैं। तो इस रिपीटेड एडिशन को हम मल्टीप्लिकेशन में टेबल फॉर्म में इस तरह से यूज़ करते हैं। तो अभी हमने थ्री टाइम सिक्स टाइम थ्री को 18 देखा, सिक्स टाइम थ्री इज़ कितना हो गया 18। अब हम देखेंगे सेवन टाइम थ्री इज इक्वल टू 21, ठीक है, और एट टाइम थ्री इज इक्वल टू 24, ठीक है, और नेक्स्ट इज नाइन टाइम थ्री इज इक्वल टू 27, एंड टेन टाइम थ्री इज इक्वल टू 30। तो ये आपका थ्री का टेबल कंप्लीट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से रिपीटेड एडिशन के साथ को हम टेबल्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो छोटी हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका थ्री का टेबल है, ठीक है, इसी तरह से आपको इसे वर्कशीट में करना है टेबल को। अब हम फोर के टेबल के लिए देखते हैं कि हम फोर का टेबल किस तरह से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं फोर का टेबल। तो फोर के टेबल के लिए मैं यहाँ पर आपको स्किप काउंटिंग टाइप में ये सिखाऊंगी टेबल, ठीक है। तो हम करेंगे शेयर्ड एवरी फोर्थ नंबर। तो अब देखिए, हमें यहाँ से फोर नंबर काउंट करना है, ठीक है, और उस पर सर्कल करना है, वन टू थ्री फोर। तो हम फोर पे सर्कल करेंगे तो फोर वन ज़ा फोर हो गया, ठीक है, वन टाइम फर्स्ट सर्कल हमारा कहाँ हुआ, फोर पे। अब हमें फोर से आगे फोर नंबर काउंट करने हैं, वन टू थ्री फोर। तो हमारा टू सर्कल, टू नंबर का कलरिंग का होगा एट के ऊपर, तो फोर टू ज़ा एट, है ना। अब हम थ्री टाइम कहाँ देखते हैं कि हम थ्री टाइम पे कहाँ सर्कल कर रहे हैं, तो फिर हम फोर नंबर्स काउंट करेंगे, वन वन टू थ्री फोर, एवरी आफ्टर फोर नंबर वी विल सर्कल, ठीक है, एवरी फोर्थ नंबर वी विल सर्कल। अब नेक्स्ट फोर्थ नंबर काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर, सिक्सटीन, लाइक दिस। अब नेक्स्ट फोर्थ नंबर, वन टू थ्री फोर, ट्वेंटी। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, वन टू थ्री फोर, है ना, फिर नेक्स्ट फोर, वन टू थ्री फोर, लाइक दिस। नेक्स्ट फोर, वन टू थ्री फोर, लाइक दिस, इज़न्ट इट। नेक्स्ट फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, इज लाइक दिस। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी वन टाइम फोर इज फोर, है ना। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे हमने कलर किया था, तो वन टाइम फोर इज फोर, टू टाइम फोर इज एट, है ना। अब वन टू, अब ये थ्री है, तो
थ्री टाइम फोर इज 12, है ना। सारी जगह हमने फोर फोर नंबर्स काउंट किए थे, अब हमने कितनी जगह, अभी तक हमने वन पे किया तो यहाँ पर वन टाइम फोर हो गया, टू नंबर पे किया तो यहाँ पर फोर टाइम टू हो गया, है ना। अब यहाँ पर थ्री टाइम हमने फोर काउंट किया था तो यहाँ फोर टाइम थ्री हो गया, है ना। इस तरह अब फोर टाइम फोर इज इक्वल टू 16, ये हो गया यहाँ पर, है ना। अब नेक्स्ट इज, अब ये फाइव नंबर पे है ना, वन टू थ्री फोर फाइव, तो फोर टाइम फाइव इज इक्वल टू 20। अब ये सिक्स नंबर में है तो फोर टाइम सिक्स इज इक्वल टू 24। मतलब हमने हर जब भी हमने नेक्स्ट नंबर काउंट किया है तो हमने फोर काउंट किए हैं, है ना। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। अब सेवन टाइम फोर इज 28 एंड एट टाइम फोर इज 32, नाइन टाइम फोर इज 36 एंड टेन टाइम फोर इज 40। तो ये आपका स्टूडेंट्स फोर का टेबल कंप्लीट हो जाएगा। किस तरह से होगा, वन टाइम फोर इज इक्वल टू फोर, टू टाइम फोर इज इक्वल टू एट, फोर टाइम थ्री इज इक्वल टू 12। स्टूडेंट्स आपको टी ओ का कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के ही ये करना है, मैंने अभी टी ओ नहीं लिखे हैं, ठीक है। फोर टाइम फोर इज इक्वल टू 16, फाइव टाइम फोर इज इक्वल टू 20, फोर सिक्स टाइम फोर इज इक्वल टू 24। ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका सेम वही आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सेवन टाइम फोर इज इक्वल टू 28, ये देखिए। फिर एट टाइम फोर इज इक्वल टू 32, नाइन टाइम्स फोर इज इक्वल टू 36 एंड टेन टाइम्स फोर इज इक्वल टू 40। तो ये आपका फोर का टेबल हो गया, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से ये दो मेथड से हमने आपको मल्टीप्लिकेशन या टेबल समझाए हैं। एक फर्स्ट इज रिपीटेड एडिशन एंड सेकंड वन इज कीप काउंटिंग टाइप में, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आपको अपनी वर्कशीट जो हम आपको कल हम आपको जो अब नेक्स्ट वर्कशीट देंगे वो आपको इसी फॉर्म में करनी है और टेबल्स अच्छे से टी ओ फॉर्म में लिखने हैं। ये आपकी वर्कशीट्स है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस होमवर्क को आपको सबमिट करना है और ऐसे टी ओ करके आपको अपना जो टेबल है, यहाँ पर थ्री का टेबल और यहाँ पर आप फोर का टेबल कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।